बारे में बताया है। एक 30% समाप्त हुआ, सभी शिक्षक साथी अपना उसके पश्चात 2:35 पर तृतीय सत्र का आगाज श्री सरदार अहमद जी द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राम जी आवन वर्मा द्वारा माध्यमिक शिक्षक शिक्षा में शिक्षक का अधिकार का प्रस्तुतिकरण डॉक्टर विनोद सिंह द्वारा किया गया, जिसमें छात्र के सर्वोत्तम विकास के लिए शिक्षक के अपने कर्तव्य और अधिकार का प्रयोग किया, ताकि राष्ट्रीय समाज को विकास हो सके और छात्र उचित प्रतिक्रिया नहीं देने पर भी उन्होंने दंड का अधिकार भी शिक्षक द्वारा दिया गया बताया गया। उन्होंने बताया कि सफल एवं प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह अच्छा अनुशासन और विद्वान हो, क्योंकि बिना अनुशासन के सीखने की क्रिया प्रभावित होती है और उन्होंने नकारात्मक स्थितियां पैदा करने लगती है। इससे बचने के लिए अनुशासन की कुशलता का ज्ञान होना भी आवश्यक है। शिक्षक अपने पद के सम्मान की रक्षा कुशलता से करता है और शिक्षक के उद्देश्य अनुसार परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करता है। और इसी के साथ प्रथम सेमिनार समाप्त किया गया, उसके पश्चात द्वितीय सेमिनार, उसके पश्चात ये प्रश्नोत्तर का सत्र प्रारंभ हुआ, जिसमें अनेक विद्वानों ने श्री विनोद कुमार जी से प्रश्न पूछे, जिसका उन्होंने बड़ी सम्मानजनक उत्तर दिए। तृतीय सत्र में दूसरा सेमिनार श्री सरदार अहमद जी के निर्देशन में प्रारंभ हुआ, जिसके अध्यक्ष श्री अमर बहादुर जी और प्रस्तुतकर्ता श्री रजनीश जी ने शीर्षक का माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर छात्रों में बहुमुखी विकास में एनसीसी का महत्व के बारे में बताया। उन्होंने सर्वप्रथम एनसीसी की स्थापना एवं संरचना के बारे में बताया। उन्होंने सर्वप्रथम एनसीसी की स्थापना संरचना के बारे में विस्तार से वर्णन किया। छात्रों के बहुमुखी विकास, उनके एनसीसी से संबंध, प्रशिक्षण कैंप जैसे वार्षिक प्रशिक्षण शिविर, आरटीसी गणतंत्र दिवस, एटीसी आर्मी अटैचमेंट शिविर आदि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अनेक वीडियो क्लिप के माध्यम से राष्ट्रगीत, परेड, ड्रिल, फायरिंग आदि को दिखाया। उन्होंने बताया कि एनसीसी के माध्यम से